सर एफएल इंडिया पे हमने बात करी है क्या? एफएल इंडिया पे नहीं, शायद आपने कभी पूछा है। एक बार चार्ट देख करके बता सकते हैं सर एफएल इंडिया कैसा दिखता है और क्या राय बनती है उसका? एफएल इंडिया, हाँ मैं बता दूंगा। एफएल इंडिया का वैसे तो ये स्टॉक कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में ही चल रहा है, तो ऑलरेडी जिनके पास रहेगा ना तो होल्ड की सलाह रहेगी, और जो नया बाइंग का सोच रहे तो थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एक करेक्शन के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन में आ चुका है, लेकिन स्टॉक अभी भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तो भी अगर समझो किसी को लेना ही है तो मैं बोलूंगा 10 मैं स्टॉप लॉस देना चाहूंगा, 1065 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है, लेकिन अगर वो काफी रिस्क रिवॉर्ड है उतना ज्यादा फेवर में नहीं है तो उतना ज्यादा मेरा कंफर्मेशन नहीं रहेगा, लेकिन अगर किसी को लेना ही है तो 1065 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है। ठीक है, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये इस पर रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवर में नहीं है स्टॉक में, तो हो सकता है करेक्शन में आपको उसके नीचे लेवल पे भी जाने को मिल सकता है, और जिनके पास रहेगा उनके होल्ड की अपॉर्चुनिटी रहेगी, फिलहाल वो प्रॉफिट बुकिंग की ना देखें, लेकिन उनके लिए भी 1065 इम्पोर्टेंट लेवल है, अगर ये ब्रेक किया तो हो सकता है स्टॉक और नीचे के लेवल में जा सकता है। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना फेवरेबल नहीं है क्योंकि तेजी दिखा चुका है और कुछ कुछ और डेटा भी जो बता रहा है रोहन सर को वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है, तो उन्होंने बता दिया अगर करना ही है तो क्या लेवल्स होंगे क्या स्टॉप लॉस होगा वो बता दिया, लेकिन अदरवाइज बहुत स्ट्रॉन्ग या पॉजिटिव व्यू नहीं है।